पीएम नरेंद्र मोदी आज पलामू और सेसई में भी चुनावी सभा को संबोधित करने वाले हैं। पीएम मोदी 11 बजे पलामू के चिन्याकी हवाई अड्डा मैदान में लोगों को संबोधित करेंगे। इस दौरान पीएम पलामू से बीजेपी के प्रत्याशी बीडी राम के लिए वोट मांगते हुए नजर आएंगे, जिसके बाद वो पलामू से सीधे सेसई जाएंगे। सेसई में पीएम मोदी 12:45 पर चुनावी सभा में बोलते हुए नजर आएंगे, जहां वो लोहरदगा से बीजेपी प्रत्याशी समीर उराव के लिए प्रचार मांगेंगे और प्रचार करते हुए नजर आएंगे। प्रदेश बीजेपी की ओर से चुनावी सभा की तैयारियां पूरी कर ली गई है। पलामू और सेसई में प्रशासन ने सुरक्षा की चाक चौबंद का इंतजाम किया हुआ है। सुरक्षा व्यवस्था में करीब 4000 फोर्सेस की तैनाती की गई है। तो एनएसजी और एसपीजी की टीमों ने कमान संभाली हुई है। तो आपको बता दें कि पीएम मोदी जो है कल पहले चाईबासा में जनसभा को संबोधित किया, गीता कोड़ा के पक्ष में वोट मांगते हुए नजर आए हैं। उसके बाद उन्होंने विशाल रोड शो यहां 2 किलोमीटर रांची में किया है, जिसको देखने के लिए तमाम जो आम जनता और कार्यकर्ता थे वो एक झलक देखने के लिए हुजूम उमड़ पड़ा। सड़कों के दोनों तरफ जो है, आपको बता दें कि सड़कों के दोनों तरफ लंबी लंबी जो है कतारें देखी गई और पीएम नरेंद्र मोदी आज जो है लोहरदगा पहुंचेंगे, समीर उराव के लिए वोट मांगते हुए नजर आएंगे और पलामू में बीडी राम के लिए चुनाव प्रचार करते हुए नजर आएंगे। तो पीएम नरेंद्र मोदी आज पलामू और सेसई में भी जनसभा को संबोधित करेंगे। तमाम तैयारियां जो है वो मुकम्मल कर ली गई है, सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए हैं और चाक चौबंद देखा जा रहा है। खुद यहाँ पर बीडी राम जो है वो जायजा लेने के लिए पहुंचे हैं, उनके साथ जो है समीर उराव भी जगह जगह पर निगरानी रखे हुए हैं और खुद ही वो पहुंच रहे हैं, जायजा ले रहे हैं। पलामू के चिन्याकी हवाई अड्डा मैदान में चुनावी सभा को संबोधित करते हुए देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी नजर आएंगे। ज्यादा बातचीत के लिए पलामू से राकेश हमारे सहयोगी जुड़ चुके हैं, राकेश का रुख कर लेते हैं। राकेश, देखिए देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज पलामू और सेसई में भी यहाँ चुनावी सभा को संबोधित करते हुए नजर आएंगे और कहा जा रहा है कि पीएम मोदी 11 बजे पलामू के हवाई अड्डे मैदान में लोगों को वहां से संबोधित करेंगे और इस दौरान पीएम पलामू से सीधा बीजेपी प्रत्याशी बीडी राम के लिए वोट मांगते हुए नजर आएंगे। आज कहा जा रहा है कि 9 बजे राजभवन से वो सीधा रुख करते हुए नजर आएंगे। आज का क्या खास कार्यक्रम है, दर्शकों को बताएं राकेश। देखिए, चुनावी शंखनाद एक तरीके से प्रधानमंत्री ने उसकी शुरुआत कर दी है और शुरुआत सिंहभूम जिले से हुई है। सिंहभूम के बाद आज जो दूसरा दौरा प्रधानमंत्री का है वो पलामू प्रमंडल में होना है और इसके बाद वो लोहरदगा भी पहुंचेंगे, जहां समीर उराव के पक्ष में वोट की अपील करेंगे। जहां तक पलामू प्रमंडल की बात है निषाद, तो इससे पहले भी 3 दफ़ा प्रधानमंत्री का दौरा यहां हो चुका है। 2014 के लोकसभा चुनाव में भी प्रधानमंत्री यहां पहुंचे थे, 2019 में 2 दफ़ा प्रधानमंत्री यहां पहुंचे थे और ये चौथी दफ़ा है जब प्रधानमंत्री पलामू की धरती पर होंगे और यहाँ से लोगों को अपनी बात पहुंचाने का काम करेंगे। तो इंतज़ार किया जा रहा है, पलामू की धरती प्रधानमंत्री के स्वागत के लिए तैयार है, पूरी मुकम्मल तैयारी कर ली गई है प्रधानमंत्री के इस दौरे को लेकर, इस आगमन को लेकर। और चूंकि चुनावी दौरा है, लिहाजा उम्मीद कर रही है बीजेपी कि इस जनसभा में लगभग 2 लाख से ज़्यादा जो लोग हैं उनके पहुँचने की बात कही जा रही है। लेकिन आपको भी जानकारी होगा निषाद कि पलामू में गर्मी बहुत ज़्यादा है, लिहाजा अब ये देखना होगा कि लोग इस तपती गर्मी में क्या उतनी संख्या में पहुंच पाते हैं कि नहीं पहुंच पाते हैं। लेकिन बीजेपी के नेताओं का ज़रूर दावा है कि 2 लाख के आसपास जो है वो लोग ज़रूर प्रधानमंत्री को सुनने के लिए पहुंचेंगे और इसको लेकर बीजेपी ने तमाम जगहों पर लोगों से अपील की है सोशल मीडिया के माध्यम से। इसके अलावा अगर आप कहें तो लोगों को आमंत्रण पत्र भी बांटा गया है बीजेपी के नेताओं की तरफ से कि आप प्रधानमंत्री के जनसभा में आइए और प्रधानमंत्री को सुनिए। तो बीडी राम के पक्ष में यहाँ प्रधानमंत्री जो है वो जनसभा करेंगे, बीडी राम के लिए वोट की अपील करेंगे। तीसरी दफ़ा बीडी राम जो है वो चुनावी समर में हैं। 2 बार वो लगातार बैक टू बैक 2014 और 2019 में पलामू सीट से वो जीते हैं, बड़े अंतराल से जीते हैं और तीसरी बार उनको हैट्रिक की उम्मीद है।
तो उनको लगता है कि कल जैसी हमारी बातचीत हो रही थी बीडी राम से, उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री के इस दौरे से कई सारी चीजें बदलेंगी और कहीं ना कहीं संजीवनी मिलने का उनको प्रधानमंत्री के इस दौरे से संजीवनी मिलता हुआ नजर आएगा। तो उम्मीद है बीजेपी को प्रधानमंत्री के इस दौरे से तस्वीर और ज़्यादा आप कह सकते हैं कि माकूल हो जाएगी बीजेपी के पक्ष में। बहरहाल ये देखना होगा कि जब प्रधानमंत्री की सभा होती है तो उसमें लोगों की हिस्सेदारी क्या होती है, लेकिन इतना ज़रूर है कि पलामू प्रमंडल के अंतर्गत जो 6 विधानसभा आते हैं उन 6 में से ज़्यादातर विधानसभा में बीजेपी के विधायक हैं, लिहाजा ये उम्मीद की जा रही है कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग प्रधानमंत्री की इस जनसभा में पहुँचेंगे। सिर्फ बीडी राम की मौजूदगी नहीं होगी, इसके अलावा तमाम जो यहाँ के बड़े नेता हैं वो पहुँचेंगे, प्रदेश के बड़े नेताओं के पहुँचने की बात कही जा रही है। बाबूलाल की मौजूदगी होगी, अमर बावरी जो कि नेता प्रतिपक्ष हैं उनकी मौजूदगी की बात कही जा रही है। इसके अलावा तमाम जो पलामू प्रमंडल में बीजेपी के जो विधायक हैं वो मंच पर मौजूद होंगे और सबसे खास जो चतरा से बीजेपी के उम्मीदवार है कालीचरण सिंह, उनको भी मंच पर बुलाया गया है। यानी पलामू मेदिनीनगर की धरती से प्रधानमंत्री अपनी जनसभा करेंगे और पलामू के साथ साथ चतरा को भी साधने की कोशिश की जाएगी। निशात बिल्कुल राकेश, देखिए राकेश रांची में जिस तरीके से कल जो है पीएम मोदी का रोड शो था, हमने देखा कि हजारों की तादाद में जो है वो हुजूम देखा गया। हालांकि इस मायने से रांची में जिस तरीके से सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम थे, ड्रोन से नजरें रखी जा रही थी, और अगर हम पलामू और लोहरदगा की बात करें तो आज देश के प्रधानमंत्री वहां जा रहे हैं, वहां पर किस तरीके का सुरक्षा व्यवस्था है जरा संक्षेप में बताएं। बिल्कुल, देखिए चाक चौबंद सुरक्षा व्यवस्था है, कई जगह बैरिकेटिंग लगा दी गई है, बड़े गाड़ियों का आवागमन पर एक तरीके से रोक है। हालांकि अभी छिटपुट गाड़ियां जा रही हैं लेकिन बैरिकेटिंग लगा हुआ है, तमाम जगह पर चेकिंग पॉइंट बनाए गए हैं, बाकायदा गाड़ियों को चेक किया जा रहा है और SPG के जो जवान हैं जो लोग हैं वो प्रधानमंत्री की सुरक्षा में कल ही पहुँच गए थे और पूरे मैदान को एक तरीके से SPG ने अपने हाथों में ले लिया है। तो प्रधानमंत्री की सुरक्षा के दृष्टिकोण से जो गाइडलाइन होता है, जो प्रोटोकॉल होता है, उसका बखूबी यहाँ पालन किया जा रहा है। 3 लेयर की सुरक्षा होगी जिसमें NSG के लोग होंगे, SPG के लोग होंगे और तीसरी जो लेयर होगी उसमें झारखंड पुलिस के अफसर और जवानों को तैनात किया गया है। पूरा जो मैदान है चियांकी का जहाँ प्रधानमंत्री का सभा होना है, लगभग 4,000 पुलिसकर्मियों को तैनात किया गया है। हेलीपैड से लेकर सभा स्थल तक प्रधानमंत्री जो है वो SPG और NSG के घेरे में होंगे, तो पूरी चाक चौबंद सुरक्षा व्यवस्था यहां दिखाई पड़ रही है। निशात चलिए राकेश, आप नजर बनाई रखिएगा, राकेश जैसे ही ताजा जानकारी आएगी आपका रुख करेंगे। फिलहाल अभी के लिए बहुत बहुत शुक्रिया आपका। लाइक एंड शेयर वीडियोस, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और प्रेस करें बेल आइकॉन। न्यूज़ 11 भारत, सच है तो दिखेगा।